हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमएस बाज और आज बात करने वाले हैं मारुति फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका प्राइस। तो एक्सशोरूम आपको पड़ता है 872,500 रुपये। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अभी हम हैं नेक्सा जीरकपुर के अंदर, तो यहाँ पे आपको इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है 982,818 रुपये। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी नोटिफिकेशन और वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जान लेते हैं इसकी लेंथ। तो लेंथ आपको मिलते हैं 3995 mm, विड्थ आपको मिलती है 1765 mm और हाइट आपको मिलती है 1550 mm। तो देखते हैं इसकी लाइट को। तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर और DRL ऊपर मिल जाते हैं, नीचे आपको वाइट लाइट मिल जाती है LED में। फ्रंट आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया, आपको यहाँ पे ग्रिल मिल जाती है, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन आपको इसका देखने में लगेगा। तो अभी देखते हैं साइड प्रोफाइल। तो साइड प्रोफाइल में इंडिकेटर आपको मिल जाता है ORVM के ऊपर। तो अभी देखते हैं इसके टायर को। तो टायर सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको 195/60 R16 का टायर मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ में। बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे अलॉय व्हील का डिज़ाइन देखने में लगेगा। तो अभी देखते हैं इसका व्हील बेस। तो व्हील बेस आपको मिल जाते हैं 2520 mm। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको 190 mm की बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो पीछे आप देखोगे तो आपको क्वार्टर ग्लास भी यहाँ पे कंपनी की तरफ से मिल रहा है। तो भाई काफ़ी फ्रेश डिज़ाइन है, आप देख सकते हो पूरा आपको यहाँ पे SUV का लुक मिलता है देखने में। अभी देखते हैं इसका पेट्रोल टैंक। तो पेट्रोल टैंक इसके अंदर आपको 37 लीटर का मिल जाता है, साथ में आपको बहुत ही बढ़िया सी साइड पे क्लाइडिंग भी मिल जाती है। बैक प्रोफाइल आप देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया फ्रेश डिज़ाइन आपको मिल जाता है। ऊपर सबसे आपको मिलता है इसका शार्क फिन एंटीना, उसके बाद आपको मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैंप, साथ में आपको डिफोगर भी यहाँ पे दिया जा रहा है, साथ में आपको नेक्सा की बैजिंग मिल जाती है साइड पे, बीच में आपको मिलता है SUV का लोगो, नीचे आपको स्किड प्लेट भी मिल जाती है, 4 पार्किंग सेंसर भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। कोई भी आपको यहाँ पे वेरिएंट की बैजिंग नहीं मिलती, नीचे आपको रिफ्लेक्टर भी यहाँ पे 2 दिए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो डिज़ाइन आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, नीचे आपको यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है। तो लुक्स वाइज बहुत ही बढ़िया गाड़ी देखने में लगती है। इसमें आपको फ्रंट पे मिल जाती है डिस्क ब्रेक, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है, ऊपर आपको यहाँ पे रूफ रेल्स भी कंपनी की तरफ से दी जा रही हैं। तो भाई काफ़ी आपको बढ़िया पैकेज यहाँ पे मिल रहा है डेल्टा प्लस मॉडल के अंदर। तो अभी बाहर से अभी कंप्लीट कर दी है गाड़ी, तो अभी देखते हैं इंटीरियर। तो इंटीरियर में आप देख सकते हो भाई 2 कलर के अंदर आपको यहाँ पे डोर पैनल दिया जा रहा है, साथ में आपको यहाँ पे मिल रही है सिल्वर की गार्निश, यहाँ पे आपको ORVMs के कंट्रोल और साथ में आपको सॉफ्ट टच मिलता है भाई पावर विंडो के कंट्रोल के साथ में। तो भाई लुक्स आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे डोर पैनल मिल जाता है। अभी देखते हैं इसकी सीटिंग को। तो सीटिंग में भाई देख सकते हो आपको कोई भी यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट नहीं दी जा रही, ऊपर आपको हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। अभी दिखाते हैं आपको इसका इंटीरियर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। तो डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, बीच में आपको मिलता है SUV का लोगो, यहाँ पे आपको LED स्क्रीन के मिलते हैं कंट्रोल, नीचे आपको टेलीफोनिक कंट्रोल मिलते हैं और नीचे आपको डी कट में स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखेंगे तो टैकोमीटर और स्पीडोमीटर आपको मैनुअल में मिलता है, बीच में आपको फ्यूल लेवलिंग का और टेम्परेचर गेज मिलती है आपको डिजिटल फॉर्म में। तो यहाँ पे ही आपको रेंज और इसकी सारी आपको डिटेल LED स्क्रीन के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इसको आप स्टॉक से चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ एवरेज और रेंज वगैरह आपको यहाँ पे शो होती रहेगी। तो अभी देखते हैं इसकी स्टॉक को। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको भाई हेडलैम्प मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है वाइपर्स का कंट्रोल। तो ये है भाई कुछ इंटीरियर इसका, देख सकते हो आप। इस साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और इसकी जो लाइट्स के लेवलिंग का स्विच मिलता है। स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट देखें तो आपको यहाँ पे मिल रही है टिल्ट की फंक्शन के साथ में एडजस्टमेंट, कोई भी आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती। बीच में आपको टच स्क्रीन मिल जाती है 7 इंच के अंदर, जहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है इसके AC वेंट्स और बीच में हजार्ड का बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिल रहा है, नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और साथ में आपको USB पोर्ट मिलती है। नीचे आपको देखेंगे तो आपको 2 यहाँ पे कप होल्डर, साथ में आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है। पीछे आपको कोई भी यहाँ पे आर्म रेस्ट इसमें नहीं दिए गए, बाद में आप लगवा सकते हो। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ठीक ठाक साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स इसके अंदर मिल रहा है। तो इंटीरियर का डिज़ाइन आप देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छा आपको इंटीरियर का डिज़ाइन देखने में लगेगा।
सनवाइज़र में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, बीच में आपको लाइट्स मिल जाती हैं हेलोजन के साथ में, साथ में आपको माइक की प्लेसमेंट मिलती है। IRVM की बात करें तो मैनुअल आपको यहाँ पे डे एंड नाइट में मैनुअल मिलता है। दूसरे सनवाइज़र पे आपको वैनिटी मिरर भी मिल रहा है। तो भाई ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक, तो लुक आपको काफ़ी अच्छी लगेगी देखने में, इंटीरियर का डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बैक डोर पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच दिया जा रहा है भाई, साथ में आपको विंडो बार विंडो का कंट्रोल और साथ में स्पीकर ग्रिल बोतल होल्डर मिलता है। तो भाई पीछे की सीटिंग में आप देख सकते हो भाई, तीन आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, तीनों आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, बीच में आपको कोई भी यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता। सीट की कुशनिंग आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे कुशनिंग दी जा रही है। स्पेस के मामले में भाई भी बहुत ही बढ़िया आपको गाड़ी मिलती है, स्पेस की कोई भी यहाँ पे कमी नहीं आएगी। पीछे आपको कोई भी रेयर AC वेंट नहीं मिलते, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और साथ में आपको स्टोरेज मिल जाती है। सिटिंग में आप देख सकते हो भाई, अंडर थाई स्पोर्ट भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है भाई, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलती, ठीक ठाक मिलती है। पीछे आप देखोगे तो आपको एक लैंप भी मिल जाता है। पीछे से बैठ के भाई डैशबोर्ड का लुक आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो अभी देखते हैं इसका बूट स्पेस, तो बूट स्पेस में आपको 308 लीटर का भाई बूट स्पेस मिल जाता है, साथ में आपको पार्सल ट्रे भी यहाँ पर ऑफर की जा रही है। यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी स्टोरेज, जहाँ पे आपको जैक वगैरह या इसका बाकी सामान टूल किट रख सकते हो। तो अभी देखते हैं इसका टायर, तो टायर का सेक्शन अगर देखें तो भाई आपको यहाँ पे 15 इंच का स्पेयर व्हील साथ में दिया जा रहा है। तो भाई ये आप देख सकते हो, ये है इसका पूरा बूट स्पेस। तो कमी आपको वैसे कोई भी इसमें नहीं दिखेगी, आप देख सकते हो काफ़ी आपको यहाँ पर कवर्ड एरिया पर मिल जाता है, ऊपर आपको ग्रैब हैंडल भी इसमें मिल रहा है। तो ये है इसका बूट स्पेस। अभी देखते हैं इसका इंजन, तो इंजन में आपको 1.2 लीटर का ड्यूल जेट ड्यूल VVT इंजन मिल जाता है 1197 cc का। 88.50 bhp की आपको पावर मिल जाती है, 113 Nm की आपको यहाँ पे टॉर्क मिल जाती है। ऊपर आपको पूरा यहाँ पे कवर्ड एरिया यहाँ पे मिल जाता है, साथ में आपको पूरे भाई इंसुलेशन यहाँ पे मिल रही है, काफ़ी रिफाइंड इंजन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई भी आपको नॉइस से यहाँ पे बाहर सुनाई नहीं देगी। तो भाई गाड़ी बहुत ही बढ़िया, दोबारा से मैं अब आपको बता देता हूँ, आप देख रहे हो फ्रोंक्स का डेल्टा प्लस मॉडल। एक्सशोरूम आपको पड़ता है 872,000, ऑन रोड आपको पड़ती है 9,82,000 रुपये। सो गाड़ी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। गाड़ी आपको बढ़िया लगी या आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। सो मिलते हैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में।